के भ्रष्टाचार के खेल को मैंने उजागर किया। और आप सबको याद होगा कि जनवरी में जब पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ जो शुगर मिलों के में जो किए गए उसके उनके घोटाले थे वो उजागर किए थे, तो उस टाइम भी मुझे दबाने के लिए, मेरी आवाज़ को रोकने के लिए, मुझ पर प्रेशर बनाने के लिए रोहतक में मेरे ऊपर FIR दर्ज करवाने का काम किया था भाजपा की सरकार ने। और अब जिस प्रकार से देश और प्रदेश में किसान मजदूर और किसान के व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को बर्बाद करने के लिए जो 3 काले कानून थोपने का काम सरकार ने किया है, उसके खिलाफ मैं लोगों के साथ, किसान संगठनों के साथ, मजदूर और व्यापारी के साथ मैंने जिस प्रकार से इस संधि भरी तानाशाह सरकार को उनकी इस गलत नीति के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, और इनकी नीयत और सोच जो ये सिर्फ इस प्रदेश को लूटने के अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रदेश के लोगों की कोई चिंता नहीं है, लोगों के बीच में जाकर मैं इनकी सच्चाई और इनकी नीति लोगों को जागरूक करने के लिए मैं उनके बीच में जा रहा हूं। और बड़ौदा चुनाव जो आज मनोहर लाल भाजपा का एक नाक का सवाल बना हुआ है, जब इन लोगों ने देखा कि बड़ौदा के लोग किस प्रकार से मुझे लाड प्यार और आशीर्वाद देकर मेरी बातें सुनकर उसके लिए कसम उठा रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त करने का बड़ौदा की जनता काम करेगी, उसी संदर्भ में अब दोबारा फिर मेरे ऊपर उन्हीं पुराने लोगों ने एक को मोहरा बनाकर मेरे ऊपर झूठी FIR दर्ज करने का काम किया। मैं आज मीडिया के साथियों को यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल की सरकार किस प्रकार से ओछे हथकंडे अपना सकती है और पावर का मिसयूज करके किस प्रकार से मेरी आवाज को दबाने का काम करना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लड़का जिसके नाम से जिसको मोहरा बनाकर मेरे ऊपर ये FIR दर्ज कराई है, रोहतक का ही रहने वाला है और उसी पूर्व मंत्री और एक हमारे महम के नकारे हुए, जो 4 बारी नकार चुका है महम, जिसको एक भाजपा के नेता का चेला है ये, और इन सब ने मिलकर ये कर्मकांड करवाया है, ये FIR दर्ज करवाई जिसे मुख्यमंत्री जी के से फोन करके ये FIR हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं ये लड़का जिस मध्य प्रदेश में कामों की बात कर रहा है, ये मेरे पास भी करता था, एक हिसार की गावड़ कंस्ट्रक्शन है जो हरियाणा का लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर है, हम दोनों उसके यहां भी काम करता था, और ये एक फ्रॉड टाइप का बच्चा है, किसी के कहने से अप्रोच करने से हमने इसको काम दे दिया था, और इन्होंने दोनों कामों को बीच में छोड़ के वहां से भाग गया। इसने अपना जो एग्रीमेंट था वो खुद रिसाइंड किया था और इसने लिख के दिया था कि मैं
काम करने में असमर्थ हूँ, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरा काम आगे मैं नहीं कर सकता। और ये हमें भी दिया था और गावड़ कंस्ट्रक्शन को भी दिया था, सेम केस दोनों। उसके बाद इससे इसकी मेजरमेंट करके इसके साइन करा के इसका मामला पूरा सेटल कर दिया गया। और उसके बाद ये दिवालिया घोषित होकर SCLT में ये गया हुआ है दिवालिया। उसमें हमने 1/6/2019 को हमारी कंपनी का इसके ऊपर 21 करोड़ रुपए का जो है ना हमने क्लेम किया हुआ इसके ऊपर 21 करोड़ रुपए का, 21 करोड़ 3,27,538 रुपए का 1/6/2019 को, 21 करोड़ 3,27,538 रुपए का। और आज 1.5 साल के बाद इसको मोहरा बनाकर ऐसे नॉन अवेलेबल धाराएं लगवा कर मेरे ऊपर ये केस दर्ज किया गया है। और इसकी खुद की FIR जो इसने लिखी है उसके अंदर, उसके अंदर कहीं भी वो जिक्र नहीं जिससे वो धाराएं लगती हों। लेकिन टोटली पावर के उसमें मुझे रोकने के लिए, मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, मुझे मानसिक रूप से मेरे को और मेरे परिवार को प्रताड़ित करने के लिए इस प्रकार के ओछे हथकंडे। और जब वहाँ वो सारे जानकारी हैं, जब उनसे पता करा, मेरे साथी वहाँ गए तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए पुलिस विभाग के जो ऑफिसर्स ने कि भाई साहब हम मजबूर हैं, ऊपर से डायरेक्शन है, हमें ये करना, हमें पता है कि इसमें कोई केस नहीं बनता। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, पुलिस कमिश्नर गुड़गांव के आदेश हैं कि 20 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी इस टाइप का लेन देन का मामला होगा वो उसको कमिश्नर के ऑर्डर के बाद इकोनॉमिक सेल के माध्यम से उस केस को डील किया जाएगा। ये ऑर्डर है पुलिस के। और वहाँ इकोनॉमिक सेल कोई नहीं, मेरे एक गुजरात की कंपनी को 65 लाख रुपए मैंने दे रखे हैं कोई मशीनरी परचेज करने के लिए, और उसने वो मशीनरी परचेज वो हमारे को कुछ नहीं दिया, 65 लाख रुपए हड़क गया। हमने उसके खिलाफ केस दे रखा है, उस केस पे कोई FIR दर्ज नहीं हुई और उस केस को जो है ना इकोनॉमिक सेल में ट्रांसफर किया हुआ है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और ये अपने आप को मेरे ऊपर 14 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा बता रहा है कि मैंने किया है उसके साथ में। और मेरे केस पर डायरेक्ट ही जो है ना फटाफट इतनी सारी धाराएं ना, मेरे से मेरे ऑफिस से वो गए थे दे के आए थे, उसके बाद कोई पूछा गया कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, ये मैं अपने आप लिख के बता दूंगी, मेरे से तो जो है ना उसके लिए 50 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ने ले रखे, क्या केस दर्ज हो जाएगा मुख्यमंत्री। टोटली कितना बड़ा एक पावर का मिसयूज ये लोग कर रहे हैं इन बातों से ये साबित होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 25 साल से हम इस लाइन में हैं। अब मैंने तो छोड़ दी, मेरे भाई करते हैं, मैं तो कहीं कंपनी वगैरह में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 साल से ये MLA बनने के बाद और ये समर्थन वापस लेने के बाद में मुझे ये दूसरा मेडल हरियाणा सरकार ने दिया है। एक जब मनीष ग्रोह मुंशी लाल को जब उसके कर्मकांड मैंने उजागर किए तब मेरे ऊपर FIR दर्ज हुई, और एक ये अब जो कर्मकांड इनके मैं उजागर करके बड़ौदा में इनकी जमानत जब्त करवाने की मेरी मुहिम है, अब दोबारा इसके बाद ये इन्होंने मेरे ऊपर ये किया है। ये सच्चाई इनकी मंशा और करनी नीयत जो हमें आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश के लोगों को और इस अंधी भरी सरकार को बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात आपके, एक मुझे इस टाइप के किसी भी हथकंडे से मेरी आवाज को, मेरी सच्चाई की आवाज को, लोगों की के साथ हो रहे अन्याय की आवाज को, भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी की सरकार इन हथकंडों से मुझे दबाव रोक नहीं सकती है। और निश्चित रूप से इसका एक करारा जवाब आने वाली 3 तारीख को बड़ौदा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी की भाजपा के उम्मीदवार की जमानत जब्त करके, मैं आपको दावा करता हूं इस बात का कि उसकी जमानत जब्त करके, हार जीत से नहीं, उसकी जमानत जब्त होगी वहां पे,
और उसका एक करारा जवाब बड़ौदा की जनता इस भाजपा को इनकी तानाशाह सरकार रवैये को देने वाली है। तो इसी के लिए मैंने आपको ये आज पीसी रखी थी कि जिस प्रकार से मेरी छवि को खराब करने के लिए लोगों में, पूरे प्रदेश के लोगों, आज जिस प्रकार से आज मैं लोगों की आवाज बनकर हर किसान संगठनों के उनके धरने प्रदर्शन में मंडियों में उसमें जाकर इस सरकार को सचेत और सावधान करने का काम कर रहा हूं, और जिस प्रकार का माहौल आप सब जानते हैं, भाजपा का ही एक विधायक विधानसभा के आगे बैठ के किसानों के प्रति धरना देता है, इनके जो है ना गठबंधन सरकार के साथी वहां क्लियर कट कह चुके हैं कि ये जो कानून है, ये जो किसान है तैसी नहीं, किसान को मारने वाले हैं। और ये जिस प्रकार की नौटंकी भाजपा के नेता और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लोगों के बीच में जाके कर रहे हैं, लोग इस बात को अच्छी तरह जान चुके हैं, और इनके जुमलेबाज सरकार जो इनकी तानाशाही ये सरकार का मिस यूज करते हैं, इन्होंने अपनी कब्र खोद ली है, और आने वाले दिनों में लोग इनको घसीट के उसके अंदर डालने का काम करेंगे। आप जी जो रोहतक में दर्ज हुई थी जी, उसका क्या स्टेटस है अभी? उसका मेरे को तो अभी तक कुछ नहीं, दो चार बार उन्होंने जो जो चीजें मांगी हमने दे दी थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही, कुछ नहीं, इतने साल लंबी इन्वेस्टिगेशन उसमें कुछ बनता ही नहीं, नहीं। और अभी तक वो दबा क्या किया क्या नहीं हमें कुछ नहीं मालूम, ना तो केस खत्म हुआ ना कोर्ट में दिया, हाँ पता नहीं कोर्ट वगैरह कुछ नहीं है, वो जांच के कौन सा ही उसका बॉर्डर का वो रफेल घोटाला थोड़ा ना है, उसके पास सारी चीजें कागज है, कोई वो चीज है ही नहीं इसके अंदर, रफाल से भी बड़ा लगता है, रफाल की तो फिर भी जांच कर ली ना जल्दी जल्दी, इसकी तो जांच नहीं हुई। हाँ तो जांच तो ये जो है ना, ये जांच ये टोटली का टोटली जांच वाला कोई चीज उसके अंदर है ही नहीं, जांच तो वहाँ होती है जब कुछ हमारे तो ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें एवरीथिंग, ये जो शिकायत करता है गुड़गांव में रोहतक में यही कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट सेम है, मोहरा बदला उसका नाम बदला हुआ कंप्लेंट, तो शिकायत करता अलग है, हाँ लेकिन अकरा से एक ही दिखाया है अलग अलग दिखाया, क्या जो घटनाक्रम है वो एक ही दिखाया है अलग अलग दिखाया है? नहीं नहीं ये अलग उसका है, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जिस काम की बात करता है वो एमपी का है, मध्य प्रदेश में अगर सही माने में इसका वो देखा जाए एज पर लॉ, तो इसकी यहाँ FIR हो ही नहीं सकती अगर उस बात को, हाँ। और एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर इसकी सारी बातें सत्य मान ली जाएं, लेन देन का कोई डिस्प्यूट कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होता उसमें ये धाराएं लगकर कोई केस दर्ज हो ही नहीं सकता एज पर लॉ की मैं बात करूँ, सारी चीजें कर लें, ये कोर्ट का आर्बिट्रेशन का मैटर है, कोर्ट के अंदर डिसाइड अपने तथ्य वो दे, मेरा ये है वो मांगने का, जिस प्रकार की नॉन बेलेबल धाराएं लगाई है टोटली की टोटली, ये प्रेशर पॉलिटिक्स मुझे दबाने के लिए, मुझे डराने के लिए, मेरे परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए, इसके पीछे और कोई मंशा नहीं। तो ये आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा ना कि आर्बिट्रेशन में मामला है, ये तो वो जाएगा, मुझे जो जाने की मैंने तो ये NCLT में लगा रखा है इसका केस, ये दिवालिया कंपनी को 21 करोड़ रुपए का मेरा था केस उसमें दिल्ली में डाला हुआ, ये तो ये इसने देखना है जिसने क्लेम डाला है, ये बताए हमारे पास तो जो जो चीजें एवरीथिंग हमने तो पूरी, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, हमारे पास कोई वो उसका वो नहीं। हाँ अभी अपनी कार्रवाई तो करेंगे, जो भी होगा, जो हमें लीगली जो चीज बनती है वो तो हमें करनी है उसके, लेकिन मैं इस चीज से घबराने वाला नहीं, मुझे पता ही है ऐसी ऐसी FIR ऐसे ऐसे मेडल मुझे और भी देने वाली है, क्योंकि मैं इनके काले कारनामे को उजागर करता हूँ, जनता के सामने सच्चाई इनकी उजागर करता हूँ कि इनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है। तो ये इस टाइप के ये कर्म कांड तो मैं आगे भी उम्मीद ही इनका, पिछले दिनों जो इनके अपने विधायकों ने आवाज उठाई थी आप सबके सामने, उनकी FIR करवा दी थी, वो चुप हो गए थे, इनकी यही मानसिकता है कि इसको ये भी चुप हो जाएगा, लेकिन इनको गलत फहमी है, बलराज कुंडू को चुप कराना है तो मनोहर लाल जी को मुझे शूट आउट करने का ऑर्डर देने पड़ेंगे, तभी मैं चुप हो सकता हूँ। आप एक ये दावा कर रहे हैं कि बड़ौदा में जो BJP कैंडिडेट हारेगा, और आप 1001% हारेगा, नहीं आप वहाँ कैसे हराएंगे, मतलब क्या आपका प्लान क्या है? मैं नहीं हराऊंगा, लोग हराएंगे, लोगों को इनकी सच्चाई का पता चल चुका है, आज बड़ौदा हल्के की तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है, मैं नहीं, लोग पूरे प्रदेश के लोग किसान संगठन वहां पे जा रहे हैं,
और इस सरकार की करनी और कथनी को उनके सामने रखने का काम कर रहे हैं। उनको इस बात का पता लग चुका है ये मनोहर लाल खट्टर सरकार, ये गरीब की किसान की बहुत बड़ी विरोधी है, छोटे व्यापारी और कर्मचारी की, और प्रदेश को जिस लेवल पर लेके जा रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर वन पे, आगे पूरे सिस्टम का निजीकरण करने की इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है। बिजली विभाग को जो है ना ये उस पर दे रहे हैं सारी पहले से प्रथा, सारी जो शत्रुजीत कपूर जी बैठा रखे हैं उसी चक्कर में सारी चीजें। आने वाले दिनों में गरीब आदमी का जीना दुभर हो जाएगा। और ये थोड़ा सा टेक्निकल बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज इसी से है जो गुटका में फिर दर्ज हुई है जी, मुख्य बिंदु तो आपका वही है। नहीं वो तो मैं आपके माध्यम से मुख्य बिंदु के उस चीज से मैं घबराने वाला हूँ, मैं तो आपको ये सच्चाई बताने के लिए, अब ये दूसरा मेडल सरकार ने मुझे दिया है, मैं तो उसकी 1.5 साल पहले, आज वो इतने दिनों के बाद मैं उठ के आ गया। हमारा तो उसके मैं कुछ जानना ही चाह रहा था कि अगर ये मामला निपट गया और जो उसका पैसा था अपने हिसाब कर दिया था क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए तो आपको आरंभ हो रहा था, आपका काम रुक रहा था, जब आपने उसको काम कर दिया था, उसको पैसा हिसाब दे दिया था, सब सेटल कंप्लीट, तो फिर ये एनसीएलटी का विवाद, फिर वो आप दोबारा जो शिकायत कर रहा है कि मुझे धमकी, फिर ये एनसीएलटी का विवाद, फिर वो आप दोबारा जो शिकायत कर रहा है कि मुझे धमकी दी पैसे, ऐसा है हमें हमें ये टेक्निकल चीजें जो होती हैं हमारे हर कॉन्ट्रैक्ट की एक सीमा होती है, इतने दिन में पूरा करना है, उसके बाद जो ये सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके पूरी लीगली होते हैं, उसमें कोई डिले होता है तो हमें अपनी कंपनी का भी सेफ रख के हमें वो चीजें कि इस कॉन्ट्रैक्ट ने ये करने से ये इतना डिले हुआ, अदरवाइज हर आज हर चीज को मॉनिटर किया जाता है। मैं आपको ये बता दूं कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर वो लोग जो पहले ढर्रेबाज लोग होते थे वो लोग खत्म हो गए, आज क्वालिटी और स्पीड के साथ में हर चीज के साथ में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वही लोग जिंदा हैं, और उनके लिए एक एक चीज बड़ा पैमाना, एक एक पल जो है, एक एक दिन उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस कंपनी को अपनी वो साख बचाने के लिए ये सारी चीजें जो है ना आगे बैंकर्स में और उसमें सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको बचाने के लिए ये चीजें हमें अपनी कंपनी के पूरे डॉक्यूमेंट पूरे सिस्टम रखने पड़ते हैं, एक एक चीज का डेली की मॉनिटरिंग होती है, आज एक दिन में कितना काम हुआ, कितना होना चाहिए एज पर हमारे जो शेड्यूल बनाते हैं हम कंप्लीशन, तो काम का करने नहीं नहीं उसकी मैं वही टेक्निकल बातें बता रहा हूँ, उसका पहले दिन हमें सबमिशन करना होता है कि हमारा ये शेड्यूल रहेगा इसको कंप्लीशन करने का, और उसमें अड़चन आगे डिले होती है तो उसकी जस्टिफिकेशन हमें बना के देनी पड़ती है, और उसी का ये पार्ट है, हमें वहां आगे अपनी जस्टिफिकेशन इसकी वजह से ये डिले होकर ये, और ये उस टाइप से ये लॉसेज होते हैं जो कैलकुलेट होते हैं आर्बिट्रेशन के लॉसेज होते हैं, जिसकी वो डिले हुआ उसमें कोई नई चीज बनाई हमने उसको एक कंप्लीट को करने के लिए अधूरी चीज को आप कंप्लीट करते हो उसमें ज्यादा पैसा लगता है, आप किसी कमरे की मरम्मत कर ले तोड़ फोड़ में लगा दो बार ठीक है, तो इसलिए वो चीजें ये कैलकुलेट होती है, टेक्निकल जो आपने पूछे वो चीजें हैं उसके लिए। नहीं मैं तो बंदे की बात कर रहा हूं, वो बंदा नहीं वो कोई कंपनी है, बंदा नहीं वो कंपनी है, और उस कंपनी ने जिस प्रकार से किया उसकी मैं बातें कर रहा हूं, हमने बंदे से नहीं उस कंपनी के खिलाफ ये चीज डाली जो उसकी कंपनी है जिसके नाम कंपनी तो डाल दी, हाँ बंदा शिकायत करता तो कंपनी न बना, कंपनी के थ्रू ही है ना, तो उस बंदे ने काम नहीं किया हमारे पास, जिस काम की वो बात कर रहा है उस कंपनी ने काम किया हमारे साथ, आप मेरी बात को उस कंपनी ने काम किया है, और उस कंपनी का बात यह है ये रोहतक का है ये बंदा, और ये मनीष ग्रोवर के साथ में और हमारे उस नेता के साथ में रहता है, पिछली कहानी भी उन्होंने प्लान करवाई हुई थी और ये भी उनकी प्लान करवाई, नेट सेल जो बात कंपनी नेट सेल जो है रोहतक भी कंपनी सेम है, दो लोग हैं एक मोहरा आज ये बना लिया पहले बड़ा अलग था केस उसी टाइम का सिमिलर सेम है, कंपनी आप कंपनी भी है या कंपनी भी अलग अलग है, बंदा अलग होता कंपनी भी अलग होती है जी, नहीं किसी को किसी कंपनी में ऐसा नहीं 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 ऐसा वो कंपनी वही मानी जाती है, बंदा नहीं मानना जाता कभी कोई भी, वो होता वो कंपनी होती है, उसने अपनी कंपनी के नाम से वो किया है बंदा नहीं, तो वहाँ दूसरी आप मैं कुछ आप वो उस बात को उसी बात को समझ नहीं पा रहे हैं जो बात मैं समझ रहा हूँ, वहाँ कंपनी दूसरी है यहाँ कंपनी दूसरी, हाँ अलग है, अलग कैसे हो सकता है, एक बंदा था ही नहीं वो भी दूसरा आदमी है, मैंने मैं क्या बोल रहा हूँ उस टाइम पे एक मोहरा वो लिया था सेम नेचर का एक मोहरा ये लिया, मैं यही बोल रहा हूँ आपको वही बात बता रहा हूँ, जो दिवालिया घोषित किया था उन्होंने क्या आपने गुरुग्राम पुलिस को वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए हैं कि ये सब जो हमारे से कोई मांगेगा तभी तो करवाएंगे,
हमारे से बगैर बुलाए बगैर पूछे कोई दे दे आप, मैं आपके खिलाफ दे आऊं जाके थाने में, अगर आपने जो है ना मेरे जो है ना 20 करोड़ रुपए देने हैं, जब आपसे बुला के पूछेंगे जी ये क्या मैटर है, कोई क्या एविडेंस डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं, तभी तो आप करोगे। जब आपको बुलाया नहीं जाएगा आप डॉक्यूमेंट हवा में थोड़ा ना दे दोगे। वो तो बात उसकी नहीं करा, वो चीज मुझे कोई बोधर नहीं, कोई टेंशन नहीं उस बात की, वो सब कुछ हमारे पास मेडल की। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस सरकार की मानसिकता, किस मानसिकता से उन्होंने जो ये केस रजिस्टर्ड करे हैं और जो जो धारा लगवाई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये राजनीतिक द्वेष में टोटली केस है, इसमें उस केस का उस टाइप का कोई केस बनता ही नहीं। अगर मेरे में बनता तो गाउड के सेक्शन में बनता है। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो सेम बंदा, ये सेम केस गावड़ का सेक्शन में भी उसने किया, सेम कुंड मेरी कंपनी में किया, तो वो गावड़ के खिलाफ तो केस दर्ज नहीं कराया उसने। अब मेरी बात का मतलब उसने सेम मध्य प्रदेश के ही मेरे साथ लगते ही प्रोजेक्ट में उसने गावड़ कंस्ट्रक्शन का भी काम ले रखा था, मेरा भी काम ले रखा था, दोनों को सेम टाइम पर सेम सिचुएशन में उन्होंने भी टेक ओवर कर लिया, उसकी मेजरमेंट फाइनल कर दिया, हमने भी कर दिया। ऐसी एफआईआर ऐसे ऐसे मेडल मुझे और भी देने वाली है, क्योंकि मैं इनके काले कारनामे को उजागर करता हूँ, जनता के सामने सच्चाई इनकी उजागर करता हूँ कि इनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है। तो ये इस टाइप के ये कर्मकांड तो मैं आगे भी उम्मीद, इनका पिछले दिनों जो इनके अपने विधायकों ने आवाज उठाई थी आप सबके सामने, उनकी एफआईआर करवा दी थी, वो चुप हो गए थे। इनकी यही मानसिकता है कि इसको ये भी चुप हो जाएगा, लेकिन इनको गलत फहमी है। बलराज कुंडू को चुप कराना है तो मनोहर लाल जी को मुझे शूट आउट करने का ऑर्डर देने पड़ेंगे, तभी मैं चुप हो सकता हूँ। आप एक ये दावा कर रहे हैं कि बड़ौदा में जो बीजेपी कैंडिडेट है हारेगा और आप 1001% हारेगा। नहीं, आप वहाँ कैसे हराएंगे, मतलब क्या आपका प्लान क्या है? मैं नहीं हराऊंगा, लोग हराएंगे, लोगों को इनकी सच्चाई का पता चल चुका है। आज बड़ौदा हलके की तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है, मैं नहीं, लोग पूरे प्रदेश के लोग किसान संगठन वहां पे जा रहे हैं और इस सरकार की करनी और कथनी को उनके सामने रखने का काम कर रहे हैं। उनको इस बात का पता लग चुका है ये मनोहर लाल खट्टर सरकार, ये गरीब की किसान की बहुत बड़ी विरोधी है, छोटे व्यापारी और कर्मचारी की, और प्रदेश को जिस लेवल पे लेके जा रहे हैं, आज देश को जिस लेवल पे लेके जा रहे हैं, आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर वन पे, आगे पूरे सिस्टम का निजीकरण करने की इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है, बिजली विभाग को जो है ना ये उस पर दे रहे हैं सारी पहले से प्रथा, सारी जो शत्रुजीत कपूर जी बैठा रखे हैं उसी चक्कर में सारी चीजें, आने वाले दिनों में गरीब आदमी का जीना दुभर हो जाएगा। और ये थोड़ा टेक्निकल बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज इसी चक्कर में जो गुटका में फेर दर्ज हुई है जी, मुख्य बिंदु तो आपको वही है। नहीं, वो तो मैं आपके माध्यम से मुख्य बिंदु के उस चीज से मैं घबराने वाला हूँ, मैं तो आपको ये सच्चाई बताने के लिए, अगर ये दूसरा मेडल सरकार ने मुझे दिया है, मैं तो उसकी 1.5 साल पहले, आज वो इतने दिनों के बाद मैं उठ के आ गया, हमारा तो उसके मैं कुछ पर जानना ही चाह रहा था कि अगर ये मामला निपट गया और जो उसका पैसा था अपने हिसाब कर दिया था क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए तो आपको आरंभ होता आपका काम रुक रहा था जी। जब आपने उसको काम कर दिया था, उसको पैसा हिसाब दे दिया था, सब सेटल कंप्लीट, तो फिर ये एनसीएलटी का विवाद, फिर वो आप दोबारा जो शिकायत कर रहा है कि मुझे धमकी दी पैसे, ऐसा है हमें हमें ये टेक्निकल चीजें जो होती हैं, हमारे हर कॉन्ट्रैक्ट की एक सीमा होती है, इतने दिन में पूरा करना है, उसके बाद जो ये सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके पूरी लीगली होते हैं, उसमें कोई डिले होता है तो हमें अपनी कंपनी का भी सेफ रख के हमें वो चीजें कि इस कॉन्ट्रैक्ट ने ये करने से ये इतना डिले हुआ, अदरवाइज हर आज हर चीज को मॉनिटर किया जाता है। मैं आपको ये बता दूं, कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर वो लोग जो पहले ढर्रेबाज लोग होते थे वो लोग खत्म हो गए, आज क्वालिटी और स्पीड के साथ में हर चीज के साथ में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वही लोग जिंदा, और उनके लिए एक एक चीज बड़ा पैमाना, एक एक पल जो है, एक एक दिन उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो उस कंपनी को अपनी वो साख बचाने के लिए ये सारी चीजें जो है ना आगे बैंकर्स में और उसमें सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसको बचाने के लिए ये चीजें हमें अपनी कंपनी के पूरे डॉक्यूमेंट पूरे सिस्टम रखने पड़ते हैं, एक एक चीज का डेली की मॉनिटरिंग होती है, आज एक दिन में कितना काम हुआ,
कितना होना चाहिए इस पर हमारे जो शेड्यूल बनाते हैं हम कंप्लीशन तो वो तो काम का करने नहीं नहीं उसकी मैं वही टेक्निकल बातें बता रहा हूँ। उसका पहले दिन हमें सबमिशन करना होता है कि हमारा ये शेड्यूल रहेगा इसको कंप्लीशन करने का, और उसमें अड़चन आगे डिले होती है तो उसकी जस्टिफिकेशन हमें बना के देनी पड़ती है और उसी का ये पार्ट है। हमें वहां आगे अपनी जस्टिफिकेशन इसकी वजह से ये डिले होकर ये और ये उस टाइप से ये लॉसेज होते हैं जो कैलकुलेट होते हैं आर्बिट्रेशन के लॉसेज होते हैं जिसकी वो डिले हुआ उसमें कोई नई चीज बनाई हमने उसको एक कंप्लीट को करने के लिए अधूरी चीज को आप कंप्लीट करते हो उसमें ज्यादा पैसा लगता है। आप किसी कमरे की मरम्मत कर ले तोड़फोड़ में लगा दो बार ठीक है तो इसलिए वो चीजें ये कैलकुलेट होती है। टेक्निकल जो आपने पूछे वो चीजें हैं उसके लिए। नहीं मैं तो बंदे की बात कर रहा हूं। वो बंदा नहीं वो कोई कंपनी है बंदा नहीं वो कंपनी है और उस कंपनी ने जिस प्रकार से किया उसकी मैं बातें कर रहा हूं। हमने बंदे से नहीं उस कंपनी के खिलाफ ये चीज डाली है जो उसकी कंपनी है जिसके नाम कंपनी के थ्रू ही है ना तो उस बंदे ने काम नहीं किया हमारे पास जिस काम की वो बात कर रहा है उस कंपनी ने काम किया हमारे साथ। आप मेरी बात को उस कंपनी ने काम किया है और उस कंपनी का बात यह है ये रोहतक का है ये बंदा और ये मनीष ग्रोवर के साथ में और हमारे उस नेता के साथ में रहता है। पिछली कहानी भी उन्होंने प्लान करवाई हुई थी और ये भी उनकी प्लान करवाई नेट सेल जो बात नेट सेल जो है दो लोग हैं एक मोहरा आज ये बना लिया पहले बड़ा अलग था केस उसी टाइम का सिमिलर सेम है। कंपनी आप कंपनी भी है या कंपनी भी अलग अलग है बंदा अलग होता कंपनी भी अलग होती है जी। नहीं किसी कंपनी में ऐसा नहीं 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 ऐसा वो कंपनी वही मानी जाती है बंदा नहीं मानना जाता कभी कोई भी वो होता वो कंपनी होती है उसने अपनी कंपनी के नाम से वो किया है बंदा नहीं तो आप मैं कुछ आप वो उस बात को उसी बात को समझ नहीं पा रहे हैं जो बात मैं समझ रहा हूँ वहाँ कंपनी दूसरी है यहाँ कंपनी दूसरी हाँ अलग है, तो अलग बंदा कैसे हो सकता है एक बंदा था ही नहीं वो भी दूसरा आदमी है जो मैंने मैं क्या बोल रहा हूँ उस टाइम पे एक मोहरा वो लिया था सेम नेचर का एक मोहरा ये लिया मैं यही बोल रहा हूँ आपको वही बात बता रहा हूँ। जो दिवालिया घोषित किया था उन्होंने क्या आपने गुरुग्राम पुलिस को वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए हैं कि ये सब जो हमारे से कोई मांगेगा तभी तो करवाएंगे हमारे से बगैर बुलाए बगैर पूछे कोई दे दे आप मैं आपके खिलाफ दे आऊं जाके थाने में अगर आपने जो है ना मेरे जो है ना 20 करोड़ रुपए देने हैं जब आपसे बुला के पूछेंगे जी ये क्या मैटर है कोई क्या एविडेंस डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं तभी तो आप करोगे जब आपको बुलाया नहीं जाएगा आप डॉक्यूमेंट हवा में थोड़ा ना दे दोगे। वो तो दे बात उसकी नहीं करा वो चीज मुझे कोई बोदर नहीं कोई टेंशन नहीं उस बात की वो सब कुछ हमारे पास मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस सरकार की मानसिकता किस मानसिकता से उन्होंने जो ये केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं और जो जो धारा लगवाई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये राजनीतिक द्वेष में टोटली केस है इसमें उस केस का उस टाइप का कोई केस बनता ही नहीं। अगर मेरे में बनता तो गावड़ के सेक्शन में बनता है। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो सेम बंदा ये सेम केस गावड़ का सेक्शन में भी उसने किया सेम मेरी कंपनी में किया तो वो गावड़ के खिलाफ तो केस दर्ज नहीं कराया उसने। अब मेरी बात का मतलब उसने सेम मध्य प्रदेश के ही मेरे साथ लगते ही प्रोजेक्ट में उसने गावड़ कंस्ट्रक्शन का भी काम ले रखा था मेरा भी काम ले रखा था दोनों को सेम टाइम पर सेम सिचुएशन में उन्होंने भी टेक ओवर कर लिया उसकी मेजरमेंट फाइनल कर दिया हमने भी कर दिया। हमने पूरे दावे के साथ कहता हूँ और आने वाले 4 दिन के 1 वीक के बाद आपको ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी। मतलब आप अपना उम्मीदवार तो नहीं खड़ा करेंगे आपने? देखिए अभी मैं इस बात के लिए आपको कुछ नहीं कह सकता। बड़ौदा के लोग इस बारे में पूरी तरह विचार कर रहे हैं कि बड़ौदा के लोग अब की बार अपने लिए चुनाव लड़ें अपने लिए वोट डालें किसी पार्टी या नेता के लिए नहीं बहुत हो चुका है और उसके लिए उनका मंथन जारी है और आने वाले समय में कुछ भी ऐसा बड़ा ब्लास्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। मतलब आपके लिए दूसरी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि बलराज कुंडू बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली क्यों कह रहे हैं आप समझ मैंने आपको बड़ी क्लियर मैंने आपको बंधु तो ये बताइए कि आप अपना उम्मीदवार उतार देखिए मैं ये बताइए मेरी मजबूत होगी उसको समर्थन करेंगे देखिए मेरी सुनिए मैंने आपको बताया बीजेपी की जमानत जब्त करवाना मेरी पहली प्राथमिकता है उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े दुश्मन का दोस्त मेरा दोस्त है जो बीजेपी के लिए स्ट्रांग होगा। भाजपा का अगर ऐसे कोई पंचायती उम्मीदवार इस प्रकार के आएगा जिससे भाजपा को बेनिफिट होगा तो हम उसके साथ कतई नहीं ना लोगों को जाने देंगे। मतलब
उसके लिए वो समय बताएगा किसी को भी, लेकिन पहली प्राथमिकता बीजेपी को हराने की बलराज कुंडू की प्राथमिकता है। नहीं, दो बातें, एक तो क्लैरिटी कर दी कि जवान जब कहानी है ए और बी टीम की, जी ए बीजेपी है और बी जेजेपी, यही ना वो आप समझ रहे सारी चीजें। दूसरा बिंदु कि जो भी बीजेपी को हरा रहा होगा कैंडिडेट, जी चाहे वो कांग्रेस का हो, जी चाहे वो INLD का हो, जी जी चाहे वो बलराज कुंडू का हो, जी उसको वोट डलवाऊंगा। बिल्कुल, उसको ये है ना, बिल्कुल। सर बी टीम क्लियर नहीं हो रही है, बी टीम कौन सी है, जेजेपी है या कांग्रेस है? बी टीम का आपको जल्दी थोड़ा सस्पेंस रहना भी जरूरी नहीं, एकदम से सारी चीजें आज हुई तो अगली बार कैसे आओगे आप लोग? बैठना चाहे तो अगली बार भी पीनी आप लोग। विधानसभा में नहीं बोले थे, वो है क्या बी टीम? देखो इस बात को जो है ना, आज प्रदेश का किसान मजदूर अच्छी तरह जान और पहचान चुका है कि कौन उनका अपना है, कौन उनका पराया है। अब इनको जो है ना, ये इस नेता ज्यादा बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। परेशानी की और दुख की ऐसे घड़ी में कौन उनके साथ खड़ा हुआ, कौन नहीं हुआ, इस बात की लोगों को, किसानों को, सबको इस बात का पूर्ण रूप से एहसास हो चुका है। और इस बात का जवाब फिलहाल उसके एजेंडे को शायद हम रोक दें, क्योंकि बड़ौदा चुनाव सबसे पहले बीजेपी को सबक सिखाना जरूरी है, उसका अहंकार तोड़ना जरूरी है, उसको धरातल पर जनता की ताकत दिखानी जरूरी है। लेकिन फ्यूचर में जो ये बात आपने की, इस बात के ऊपर पूरे प्रदेश में एक अलग तरह की जो है ना मुहिम जारी की जाएगी। बस क्लैरिटी होगी जी आपको, बीजेपी को हराने के लिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोकदल हो और चाहे आप हो, तो उसको वोट दिलवाएंगे जी। ये तो बी टीम तो खत्म ही होगी ना, बी टीम तो बच गई होगी ना जेजेपी। नहीं, आम आदमी पार्टी ने तो वहां स्टेज पे मेरे पे घोषणा की थी सुशील गुप्ता जी ने कि आप जिसको भी हाथ लगाओगे हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। बल्लाज भाई आपने देखा होगा, लाइव चलाया था सारा, उसमें उन्होंने पूर्ण रूप से, मेरी बात होती रहती है एनडी गुप्ता जी से भी, सुशील गुप्ता जी से भी, उनका पूरा समर्थन उनका एक ही बाद के कार्यक्रम के लिए, बड़ौदा के बाद के कार्यक्रम के लिए। नहीं नहीं, अभी फिलहाल बड़ा बड़ौदा के लिए आगे कोई मजबूत अध्यक्ष भी नहीं है वैसे तो, आम आदमी पार्टी पर मजबूत अध्यक्ष भी नहीं है, आपके रूप में बहुत कुछ देख रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं, वो उनका नजरिया, मैं अपना, मेरा ऐसा कुछ नहीं है अभी, नहीं अभी मेरी अभी कोई सोच या इस टाइप का कोई वो नहीं है। ये तो पहले जो थी होने में और टू 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 होने में 9-8 साल लग जाते हैं। अच्छा, तो टू टू बजेगी पहले जब तक शादी पहुंचे और शादी पहुंच जाते हम टू टू की बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी साथियों का लंच बनवा रखे है, सभी से निवेदन है खाना खा के जाएंगे, बगैर खाना कोई नहीं।